क्योंकि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता बोलते हैं कि सेवा दल हमारी रीढ़ की हड्डी है, साथ में बोलते हैं कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं ये भी बोलता हूँ साथ में इज्जत भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि मजदूरों के हित की बात सोचना, मजदूरों के हित में काम करना भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि मजदूर भी हमारे साथी है। वोट तो सब डालते हैं, मजदूर भी डालते हैं, आम जनता भी डालती है, व्यापारी भी डालते हैं, कर्मचारी भी डालते हैं, लेकिन मजदूरों की जो स्थिति है वो अपने आप में एक अलग किस्म की स्थिति होती है, और विशेष करके इन उद्योगों में, क्योंकि कोरबा औद्योगिक जिला है। कोरबा में एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको, लैंको, आपका सीएसईबी, अलग अलग संस्थान है, और सब जगह इंटक है, और इंटक में हजारों की संख्या में हमारे साथी पदाधिकारी हैं। तो इसलिए विशेष करके जो लोकसभा भी होती है हमारी कोरबा, तो कोरबा लोकसभा भी पूरे प्रदेश में इकलौती ऐसी लोकसभा है इसमें हजारों इंटक परिवार के सदस्य उस लोकसभा में आते हैं। कोरबा जिले की चारों विधानसभा, कोरिया की तीनों विधानसभा, मतलब आठ विधानसभा में सात विधानसभा ऐसी हैं जहां इंटक परिवार के लोग। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकसभा के नतीजे आते हैं या तो अधिकांशतः हमारा सांसद जीतते हैं, और अगर एक दो बार अगर कहीं पीछे भी रहे, 2014 में सिर्फ 4200 वोट से, 2004 में 9000 वोट से, जब प्रदेश में लाख लाख दो दो लाख वोट से सांसद हारे, उस समय भी कोरबा में चुनाव को पिछली बार जीते, पिछला लोकसभा चुनाव जीते, पूरे प्रदेश में 11 में दो लोकसभा चुनाव जीते, इसमें एक कोरबा और एक बस्तर, तो दोनों इन तक का उसमें इफेक्ट है, क्योंकि वापसी आपका दंतेवाड़ा और जगदलपुर मेरा सब वहां इंटक परिवार है, एनएमडीसी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले पांच साल में हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, हर क्षेत्र के लिए काम किया, सिर्फ विकास कार्य नहीं, विकास कार्यों के साथ साथ एक आम आदमी को भी विकास किया, इसमें चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, हर क्षेत्र में काम करने का सरकार को अवसर मिला। इसके साथ साथ डेवलपमेंट में आप देखिए कि जिस प्रकार भाई गोपाल नारायण सिंह ने कहा रोड के बारे में, इस रोड का थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में भाजपा की सरकार थी तो कोरबा में रोडों के निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन और चक्का जाम तक हमारे ऊपर जुर्म कायम हुए। ये इमरजेंसी में बैठा हुआ है, इसके ऊपर कई मामले इसी ही रोडों के कारण बने हुए है कि नहीं, कई बार चक्का जाम के एफआईआर दर्ज हुए। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनते ही हमने मीटिंग ली कोरबा में, कलेक्ट्रेट में बैठक बुलाई, एसईसीएल के अधिकारियों को बुलाया, एनटीपीसी वालों को सब अधिकारियों को बुलाया, और सबको हमने दबाव बनाया कि अपने अपने क्षेत्र की आप रोड बनाइए। इसमें एसईसीएल से क्योंकि केरला और दीपका का जो क्षेत्र है वहां की गाड़ियां भी जाती है, तो इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया कि गेरवा दीपका की गाड़ियां सीधा हरदी बाजार से कर्जा निकले और कर्जा से आपका कुदुमाल होते उगा, ताकि वो रायगढ़ की दिशा में जाए, जांजगीर की दिशा में जाए या कहीं भी जाए। इसके साथ साथ आपका कर्जा से केनाल रोड होते हुए कुसुंदा, कुसुंदा से आपका कुचेना, इसके साथ में छत्तीसगढ़ सरकार से हमने लिंक कराया इस रोड का कि अकलतरा से चल के बड़ौदा होते हुए हरदी बाजार जो इस रोड से जुड़े हुए, और यहां पर कुचोना मोड़ से आपको होते हुए आगे रेलवाड़ी, ताकि वो वहां जाके जुड़े। तो आपका कुचोना मोड़ से
आपका बाकी तक रोड बन चुका है, ये रोड 90% बन चुका है, आपका एनआर रोड भी आपका 90% बन चुका है, खाली ओपनी चीज बन रहे हैं खान का। तड़का से हरदी बाजार जो पहले कलेक्टर थी उसने भी धान पैदा किया, क्योंकि वो धन अर्जित करना चाहती थी। उसने ऐसी सेल के अधिकारियों पर दबाव बनाया, पीडब्ल्यू डी के ऊपर दबाव बनाया, जो नागपुर की ठेका कंपनी SMS जिसके सांसद थे भाजपा के राज्यसभा मेंबर अजय सिंह चेती, तो इन सब पे दबाव बनाया और करोड़ों रुपए की डिमांड की, और जब पैसा नहीं मिला तो उसने रोड को बाधित किया। अगर वो रोड को बाधित नहीं करती तो आज मेरे ख्याल से पूरी रोड कंप्लीट बन गई होगी। लेकिन उसकी सजा हमारे साथी सुरेंद्र जायसवाल जिला अध्यक्ष, उसने जाके कलेक्टर को कहा था कि आपने एक तो रपटा का काम रोक दिया, जो सरमला मंदिर के सामने से जो 4 नंबर वार्ड में रपटा ब्रिज बनता उसमें जो घाट बनता साथ में, ताकि हम छठ पूजा भी कर सके, हरेली भोजली का त्योहार भी मना सके, बस्ती वासी वहां कपड़े भी धो सके, बच्चे नहा सके, और सावन में जो कावड़ उठती है तो 1 महीना तक आपका जो कनकी जाती है वहां सरमला मंदिर से, वहां से 1 महीना तक कावड़ उठाने वालों को भी सुविधा मिल सके। इन सब पर्पज से 11.5 करोड़ रुपया सेंक्शन कराए थे DMF से, उसको कैंसिल करके उस कलेक्टर ने उसको बेच दिया फंड को, और बेच दिए थे आज वो जेल में। अभी भ्रष्टाचार किया इसके साथ साथ।